इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हजारों जहरीले सांपों को पालने से लेकर किसी सुरक्षा के 1500 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने जैसी दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक नौकरियां, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। बेस जंपिंग। दोस्तों, यूं तो बेस जंपिंग दुनिया के सबसे खौफनाक खेलों में से एक माना जाता है, लेकिन कुछ खास लोगों को यह अब तक खेल से ज्यादा पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। इस खेल में कुछ पेशेवर या जंपर अपने विज्ञापन दाता के जरिए पैसे कमाते हैं, तो कुछ आम लोगों को जंपिंग प्रशिक्षण देकर। बता दें कि प्रशिक्षण देने से इस जॉब में जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। यह खेल कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2016 में बेस जंपिंग करते समय 37 लोगों की मौत हो गई थी। स्नेक फार्मिंग। बहुत से लोग सांपों से दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा जॉब भी है जिसमें आपको जहरीले सांपों के साथ हर रोज खेलना पड़ता है। आपने पोल्ट्री फार्म या गौशाला देखी होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्नेक फार्मिंग की। यह यूनाइटेड स्टेट और थाईलैंड में फल फूल रहा है, एक ऐसा जॉब जिसमें कमाई है और जान जाने का खतरा भी। यह लोग कई नस्ल के सांपों को पालते हैं और उनके जहर को बेचते हैं, जिसका उपयोग विष रोधक दवाइयों के बनाने में किया जाता है। टावर क्लाइंबिंग। किसी बंजर इलाके में खड़े एक 1500 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, वह भी तब जब आपके पास एक औजार से भरा बैग हो और सुरक्षा के नाम पर कुछ मामूली रस्सियां। दरअसल इस ब्रॉडकास्टिंग टावर के एंटीना पर लगे बल्ब को हर 6 महीने में एक बार बदलना पड़ता है और इस काम को करवाने के शख्स को हर बार $20,000 दिए जाते हैं। वैसे यह भी जान लीजिए कि इस काम को हर कोई नहीं कर सकता। योग्यता और खास ट्रेनिंग के अलावा इस टावर पर चढ़ाई करने के लिए शेर जैसे जिगरे की जरूरत पड़ती है। स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता है, तो यकीन मानिए यह अगला जॉब आपके मन में ऊंचाई का डर पैदा कर देगा। यह है गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियां साफ करने का जॉब, जिसमें सैकड़ों मीटर पर रस्सियों का सहारा लटकते हुए काम करना पड़ता है। इनकी ज्यादातर ऊंचाई पर तेज हवाओं के कारण इन लोगों पर कभी भी नीचे गिरने का खतरा मंडराता रहता है। इसके अलावा खराब मौसम या फिर जरा सी तकनीकी खामी से इंसान नीचे गिरकर टमाटर की तरह पिचक सकता है। ब्रिज पेंटिंग। दुनिया में ऐसे कई आधुनिक और विशालकाय पुल है जिनका रंग करने में 1 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। इन पुलों को रंगने वाले लोगों में अपने काम को बेहद संजीदगी से कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को यह जॉब कई तरह से टेस्ट पास करने के बाद ही मिलता है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से इन पेंटर्स के लिए सिर्फ एक रस्सी बांधी जाती है और इनके पास वह दिमाग भी होता है जिनको ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं से डर नहीं लगता।